हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की। एक्सेल में आज आपको क्या सिखाऊंगा, वीबीए के थ्रू एक छोटा सा प्रोग्राम, एक छोटा सा बटन बनाना सिखाऊंगा जिस बटन पर क्लिक करते ही कोई मैसेज डिस्प्ले हो। पहले तो बटन कैसे बनाना यही एक सवाल है, तो यहां से चलते हैं एक्सेल पर। तो यहां से एक्सेल ओपन किया है मैंने, ये देखिए ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन है। 2007 लिया है क्योंकि ज्यादातर लोग इसी पे काम करते हैं, जिसके पास अगर नहीं है तो वो ज्यादातर लोगों के पास तो यही होता है 2007 ही, इसी वजह से मैं 2007 ही यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये 2007 पे मैं आ चुका हूँ, ये वर्कबुक ओपन हो चुकी है हमारी। अब करना क्या है, यहाँ पर सबसे पहले आपको डेवलपर टैब एक्टिव करना पड़ेगा। कैसे एक्टिव करना है, यहाँ पर ऑफिस बटन पे जाना है और यहाँ पर एक्सेल ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे चले जाइएगा और यहाँ पर शो डेवलपर टैब मिलेगा, इस पर टिक कर दीजिएगा और ओके कर दीजिएगा। तो यहाँ पर आपको डेवलपर टैब दिखाई पड़ने लगेगा। ठीक है, जैसे डेवलपर टैब दिखाई देगा तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर दिखेगा इंसर्ट, ये इंसर्ट दिख रहा है, क्लिक कर दीजिएगा। ये है बटन, तो इस बटन पे जाइएगा और यहाँ पर इसको ड्रैग करवा दीजिएगा, ये बटन आ जाएगा। अब ये पर आपको न्यू पे क्लिक करना है, ये जो न्यू है ना इसी न्यू पे क्लिक करना है। ठीक है, तो न्यू पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही न्यू पे क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके से ओपन होगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको लिखना है एमएसजी बॉक्स, क्या लिखना है एमएसजी बॉक्स, और जो भी मैसेज इस बटन पर क्लिक कराने के बाद आप डिस्प्ले कराना चाहते हो वो यहाँ पे डाल दीजिए। जैसे मैं अपने चैनल का नाम डाल देता हूँ, कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन। ठीक है, ये मैंने डाला और यहाँ पर क्या करना है आपको, इसको डबल डॉट कोट्स को क्लोज कर देना है। क्लोज करके क्या करना है, इसको भी मिनिमाइज कर दीजिए। ठीक है, मिनिमाइज करने के बाद बाहर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए मैसेज में आपको क्या दिखाई दे रहा है। जैसे ही क्लिक करता हूँ तो कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन दिखाई दे रहा है। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ कि बात आपको समझ में आएगी।